तुम गोरों के ऐवान में नहीं बैठ सकते। ये वो अल्फाज थे जो नवंबर 1868 में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में गूंजे और जॉन विलिस मेनार्ड का सिया रंग सुर्ख हो गया। वो अपनी सीट से उठा और स्पीकर को मुखातिब करके बोला, जनाब आली, मैं भी दूसरे मुअज्जिज अरकान की तरह अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया हूँ। मुझे इस ऐवान में बैठने और बोलने के लिए भेजा गया है। अगर मुझे बोलने और बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये जमहूरियत की तौहीन होगी। अभी मेनार्ड की बात जारी थी कि ऐवान के गोरे अरकान ने इसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे कि हम इस ऐवान में किसी काले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर मेनार्ड की आंखों में आंसू आ गए। जॉन विलिस मेनार्ड अमेरिका की तारीख का पहला सिया फार्म असेंबली मेंबर था। अमेरिका में 1860 तक सिया फार्म बाशिंदों को सिर्फ एक ही हक हासिल था और वो हक था गुलामी। अब्राहम लिंकन ने 1860 में अमेरिका में गुलामी के खात्मे का ऐलान किया, जिसके बाद अमेरिका के तमाम काले आज़ाद हो गए। जॉन विलिस मेनार्ड ने इस आज़ादी को हकीकत समझा। वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और 1868 में असेंबली मेंबर मुंतखब होकर ऐवान नुमाइंदगान में दाखिल हो गया। वो ऐवान के दूसरे अरकान की तरह कुर्सी पर बैठने लगा तो एक गोरे मेंबर ने इसके बैठने के हक को चैलेंज कर दिया। जॉन विलिस मेनार्ड ने इस ज्यादती पर एहतजाज किया, लेकिन इसकी आवाज़ जल्द ही गोरों की सुर्ख जबान तले दब गई और इसे बिला आखिर ऐवान से बाहर निकलना पड़ा। जॉन विलिस मेनार्ड का ताल्लुक गुलामों की नस्ल से था। ये नस्ल अमेरिका कैसे पहुंची, अमेरिका के दरियाफ्त होने के बाद इसे किस तरह आबाद किया गया और सिया फार्म लोगों ने किस तरह अपने हकूक हासिल करने के लिए जदोजहद की, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर देखने को मिलती रहे। माहिरीन के मुताबिक आज से 30,000 साल पहले अमेरिका और एशिया के दरमियान 1500 किलोमीटर लंबी एक पट्टी होती थी। इस पट्टी पर सफर करते हुए एशिया और अफ्रीका के बाशिंदे अमेरिका पहुँचते थे। बाद हजार दुनिया में तूफान और सैलाब आए, समंदरों का पानी बुलंद हुआ और ये पट्टी समंदर में डूब गई, जिसके बाद अमेरिका और एशिया का रबता टूट गया। 1492 तक यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट के ममालिक अमेरिका के वजूद से नावाकिफ रहे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस भारत जाने के लिए स्पेन से निकला और गलती से अमेरिका के साहिल पर जा उतरा तो वो नई दुनिया देख कर हैरान रह गया। लाखों करोड़ों मील तक जंगलात फैले थे। इन जंगलात में करोड़ों जानवर फिर रहे थे और इन करोड़ों जानवरों के दरमियान मुख्तलिफ नस्लों के लाखों इंसान आबाद थे। कोलंबस जनवरी 1493 में अमेरिका से वापस स्पेन पहुंचा तो इसके पास सैकड़ों की तादाद में सिगार और मकई के बीज थे। इन बीजों और सिगारों ने यूरोप को नया रास्ता दिखाया और देखते ही देखते स्पेन, फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड के हजारों लोग अमेरिका रवाना हो गए। इन लोगों ने अमेरिका में सैकड़ों बस्तियां बसाई। ये लोग जंगल काटने लगे, काने खोदने लगे, जानवरों का शिकार करने लगे और जानवरों के दांत और खालें उतारने लगे। ये सारा माल बाद हजार यूरोप में एक्सपोर्ट होने लगा। इसी दौरान शुमाली अमेरिका में कपास और तंबाकू के बड़े बड़े फार्म भी बनाए गए। यूरोपी बाशिंदों ने शुरू शुरू में मकामी लोगों को गुलाम बनाया, लेकिन आने वाले दिनों में ये लोग कम पड़ गए। चनाचा यूरोपी जागीरदार गुलामों की तलाश में अफ्रीका के साहिलों पर जा उतरे। ये लोग अफ्रीका के जंगलात में जाल लगाकर सिया फार्म लोगों को कैद करते और इन्हें गुलामों के लिए खुसूसी तौर पर डिजाइन करदा बेरी जहाजों में फेंकते। ये सात सात मंजिल के जहाज होते थे जिनमें तख्तों पर लोहे की हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई होती थी। गुलामों को इन बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। ये लोग चार माह तक इसी जगह जकड़े रहते थे, यहीं पर पेशाब करते और यहीं पर इन्हें खाना दिया जाता था। अमेरिका पहुंचकर इनकी मंडियां लगती थी और ये लोग जानवरों की तरह बेच दिए जाते थे। नए मालकान इन्हें जानवरों की तरह बाड़ों में रखते थे। इनसे 18-18 घंटे काम लिया जाता था। ये लोग सात नस्लों तक इसी सूरत हाल का शिकार रहे। इनकी अक्सरियत मुसलमान थी, लेकिन गुलामी ने इन्हें ईसाई बना दिया। फिर इनकी जिंदगी में अब्राहम लिंकन आया और इसने 1860 में इन्हें गुलामी से आज़ाद कर दिया। अब्राहम लिंकन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। चनाचा अमरीका के सिया फार्म 100 साल तक रिपब्लिकन पार्टी को वोट देकर अब्राहम लिंकन की मेहरबानी का कर्ज उतारते रहे। अब्राहम लिंकन ने इन्हें आज़ादी तो दे दी, लेकिन इन्हें अमेरिका में इंसानी हकूक ना मिल सके। इनके बच्चों को गोरों के स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते थे। ये लोग गोरों के बसों और ट्रेनों में सफर नहीं कर सकते थे। बेकरियों, सिनेमा घरों और मार्केटों में गोरों और कालों की अलग अलग कतारें लगती थी, हत्ता कि इन लोगों के चर्च तक अलग होते थे। ये लोग दुनिया की जदीद तरीन रियासत में कदीम तरीन जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर 1950 में इन्हें मार्टिन लूथर किंग की शक्ल में एक निजात दहिंदा मिल गया।
मार्टिन लूथर एक सिया फार्म पादरी था। एक दिन इसने एक सफेद फार्म शख्स को बाइबल पेश किया, लेकिन इस शख्स ने इसके काले हाथों से बाइबल लेने से इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जब मार्टिन लूथर किंग ने इस निज़ाम को ललकारने का फैसला किया। इसने कालों को जमा किया और सिया फार्मों के हकूक के लिए लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए। मार्टिन लूथर किंग को अल्लाह ताला ने तकरीर के फन से नवाज रखा था। वो बोलता था तो इसके अल्फाज सुनने वालों के दिल की धड़कन बन जाते थे। मार्टिन लूथर ने अपनी तकरीरों से पूरे अमेरिका में आग लगा दी। इन्हीं दिनों जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार बना। जॉन कैनेडी और लिंडन बी जॉनसन ने मार्टिन लूथर किंग के मुतालबे को अपना सदारती नारा बना लिया। कैनेडी 20 जनवरी 1961 में मुंतखब हुआ तो इसने सदर बनते ही सिया फार्म बाशिंदों को सफ़ेद फार्म लोगों के बराबर हकूक दे दिए। यूँ मार्टिन लूथर किंग का एक ख्वाब पूरा हो गया। इसके काले बच्चे गोरे आकाओं के बच्चों के हाथों में हाथ डालकर खड़े हो गए, लेकिन अभी एक दूसरा ख्वाब दूर था। अमेरिका की सिया फार्म नस्ल को जिस जमाने में बराबरी के हकूक मिले थे, इसी दौर में कीनिया का एक गरीब मुसलमान तालिब इल्म अमेरिका पहुंचा। इसका नाम बाराक हुसैन ओबामा था। इसने अपनी क्लास फेलो स्टैनली एंड डिनम से शादी की। वो दोनों दो साल तक इकट्ठे रहे। इन दो सालों में एक निशानी बाराक हुसैन ओबामा जूनियर की शक्ल में जाहिर हुई। मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हुई। बाराक हुसैन ओबामा वापस कीनिया चला गया, लेकिन वो अपनी जद्दोजहद की एक निशानी अमेरिका में छोड़ गया। बाराक हुसैन ओबामा जूनियर ने जिंदगी की सख्तियों को अपना हथियार बनाया। वो कोलंबिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होता हुआ मुआशरे में उतरा। इसने सियासत शुरू की और इस ख्वाब की ताबीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ जो इसके सिया फार्म आबाओ अजदाद ने देखा था। इसने 21 माह कबल सदारती मुहिम शुरू की। पूरी दुनिया का ख्याल था कि वो ये मुहिम सर नहीं कर सकेगा, क्योंकि सफ़ेद अमरीकी जहन व्हाइट हाउस पर कभी किसी सिया बदन की परछाई पड़ने नहीं देगा। लेकिन फिर 5 नवंबर 2008 में ये मौजज़ा हो गया। एक ऐसा सिया फार्म शख्स जिसके नाम में इस्लाम की निशानी मौजूद थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर बन गया। कीनिया दुनिया का वो मुल्क था जिससे अमेरिकन्स ने 1541 में पहली बार गुलाम दरामद किए थे। ये गुलाम मुसलमान थे और सदियों के जबर ने इनको कलमा तक बुला दिया था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इसी कीनिया से एक मुसलमान अमेरिका भिजवाया और ये मुसलमान अमेरिका में तब्दीली की एक ऐसी जाग लगा गया जिसने आने वाले दिनों में दुनिया के तमाम सिया फार्मों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।